ये जो अभी आपको एक फिल्म बताई थी वो मुख्यमंत्री जी को एक नई टेक्नोलॉजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी पर, मैं रोपवे केबल कार और फेनेकुलर रेलवे इसका भी मंत्री हूं और अभी 260 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं देश में, बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह कर रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया इसमें जो एक बुलेट जिसमें मैं बैठा था वो हाईवे के ऊपर बीच वाले इसमें से एक घंटे में 600 किलोमीटर जाते हैं, यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से, तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। तो ये एक फास्ट स्पीड हाइपर लूप जैसी है। और दूसरी जो है वो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से पूरे अमृतसर को डिकंजेस्ट करने के लिए ये हवा में चलने वाली स्काई बस है, उसकी स्पीड कम है। तो मैंने आज सीएम साहब को बताया, अभी थोड़ा इसमें और दो टेक्नोलॉजी वो मीडिया के लिए नहीं पर उनको दिखाने थी, तो वो पहले दिखाएंगे फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। हाँ चालू करिए, एरियल ट्रामवे इसका नाम है, ये डॉफल मेयर करके कंपनी है उनकी, चलाइए। इसमें डबल डेकर बस भी है, अगर 200 लोगों को लेके जाना है तो भी हो सकता है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को जो बताया, एक बताया अभी और बाद में दूसरा भी, स्काई बस हवा में चलने वाली बस का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अमृतसर ये बहुत पवित्र भूमि है और यहाँ हमारा स्वर्ण मंदिर है, रोज 1.5 लाख लोग यहाँ बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं। और अमृतसर में बहुत डेंस पॉपुलेशन है, मंदिर के आजू बाजू के रोड बहुत छोटे हैं। तो मैं, मेरे डिपार्टमेंट में ये काम है, अभी मैं इसकी पूरी मदद करूंगा और मुख्यमंत्री जी के साथ ये कैसे करना कम पैसे में और इसको कैसे प्लान करना इसमें पूरी मदद करूंगा। जो जो भी पंजाब सरकार इसमें मदद मांगेंगे हम करेंगे और अमृतसर में इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। तीसरा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और आपने सुना होगा कि इस देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक पर चलने वाले गाड़ी में ही बैठता हूँ, दिल्ली में है अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑटो पॉपुलर हो गई। फिर अभी बंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है, तो कर्नाटक की बसेस पायलट प्रोजेक्ट में 30 बसेस 15% कोल से जो मिथेनॉल है उसको डालकर सक्सेसफुली चली, जिसमें मिथेनॉल का भाव है 25 रुपए लीटर और डीजल का 110, इतनी बचत है, पोल्यूशन में कमी आती है। अशोक लेलैंड और टाटा ने मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च किए हैं। और तीसरी बात है, मैं हाइड्रोजन की कार में बोलता हूँ और मैं आज सीएम साहब को बोलता हूँ, फ्यूचरिस्टिक विजन में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। मेरे पास जो दिल्ली में गाड़ी है, जब आएंगे तो मैं साहब को दिल्ली में घुमाऊंगा, वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई का नाम होता है भविष्य, जापान में जापानी वर्ड मिराई का होता है भविष्य, फ्यूचर। और पानी से हाइड्रोजन बनता है, बायोमास से बनता है, परली से बनता है, राइस स्ट्रॉ से कोई भी, और कचरे से बनता है। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो हमारे यहाँ कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। यहाँ पंजाब में परली जलाते हैं और परली जलाने की कोई जरूरत नहीं, परली के लिए झगड़े होंगे, लोग परली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो फुकट की बातें करता हूं, मैं जो बोलता हूं वो 101% डंडे की चोट पर खुला हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फ्लैश के लिए मैंने काम शुरू किया, आज फ्लैश के लिए झगड़ा हो रहा है हमको, तो अब परली के लिए होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो परली से हमारे यहां हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। मेरी एक बात है, यहां हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, शायद अमृतसर रिंग रोड पर ही बना रहे ना, तो वो केबल स्टेट ब्रिज ब्यास नदी पर, एक्सप्रेस वे पर, दिल्ली कटरा जो अमृतसर में आएगा वो उसकी स्पर पर है। तो वहां दो हमने बड़ी व्यूअर गैलरी बनाई है। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि वहां एक जगह पर पंजाब के इतिहास से, स्वर्ण मंदिर के इतिहास से, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से, हरमंदिर साहब के इतिहास से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बहुत अच्छा ऐसा एक कार्यक्रम, जो कैप्सूल लिफ्ट से लोग ऊपर जाएंगे वो देखेंगे, और उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप भी होगा, और नीचे में पार्किंग प्लेस होगा, गार्डन होगा, फूड मॉल होगा, और जो 1.5 लाख टूरिस्ट आएंगे वो दुनिया से आते हैं, उनके आकर्षण का केंद्र होगा। उसकी बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं और वो करने के लिए हमारे यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है, जिनकी जो क्या नाम होता है, कहा है तो साहब को मैंने इनको कहा है कि आप जरा इसका रिसर्च स्टडी करके
ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करिए कि उसमें क्या रहना चाहिए, सबसे सलाह करके, और फिर उसके बाद हम इसका करेंगे। ब्रिज का काम अब शुरू हो गया है और मेरी कोशिश है कि वे जल्दी ही फरवरी मार्च के पहले आकर इसके उद्घाटन के लिए भी फिर से एक बार जरूर अमृतसर आऊंगा, मत्था टेकने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। नया रोड बना रहे, ग्रीन रोड, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल, तो ये रिंग रोड बनेगा। और कर्नूल से हैदराबाद, कर्नूल से कन्याकुमारी, कर्नूल से चेन्नई, कर्नूल से कोचीन, बाद में बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएगा। तो अब आपको दिल्ली से, उत्तर भारत से आपको मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। इससे दिल्ली से चेन्नई का अंतर 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये जो हाईवे है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भाषण में बोलते थे, और ये पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो आप समझिए, ये केवल दिल्ली तक नहीं है, ये कन्याकुमारी तक है और एक्सिस कंट्रोल हाईवे है।